बनाइए बहुत ही आसान और झटपट सी ये खट्टी मीठी मैंगो मिंट जेली, जिसे मैंने बगैर जेलेटिन के बनाया है और काफी रिफ्रेशिंग है। तो चलिए इसकी रेसिपी को चुटकी में बनाते हैं। तो कच्चे आम की जेली बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 kg आम लिया है। ये कच्चे आम है और अभी मार्केट में बहुत मिल रहे हैं ये कच्चे आम, और इससे जो बनी जेली है वो काफी टेस्टी बनती है। तो सबसे पहले हम इसके छिलके को उतार लेते हैं। यहाँ पर आम को मैंने बिल्कुल अच्छे से धो लिया है। तो इस तरीके से मैंने एक आम के छिलके को उतारा है, बाकी सभी ऐसे ही रेडी कर लेंगे और अब इसे हम कट करते हैं। तो इस तरीके से हम इसे रफली चॉप कर लेंगे। हमें लास्ट में इसे ग्राइंड ही करना है, तो कुछ स्पेसिफिक ही नहीं है, आप कैसे भी इसकी चॉपिंग कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि थोड़े छोटे टुकड़े होने चाहिए जिससे कि ग्राइंडिंग में प्रॉब्लम ना हो। तो चारों ओर से जितने भी पल्प हैं उसे हम निकाल लेंगे और इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। तो कट किए हुए मैंगोज को अब हम डालते हैं जार में। चॉप मैंगोज जार में डालने के बाद अब इसमें हम डालते हैं थोड़े से पुदीना की पत्ती, जिससे कि काफी रिफ्रेशिंग लगेगा। और अब इसमें हम डालते हैं 1 कप पानी और सभी को बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरा कटा हुआ आम नहीं अभी जार में डाला है, क्योंकि जार काफी भर गया है, तो बाकी बचे आम को हम बाद में ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम 3 tablespoons कॉर्नफ्लोर ले रहे हैं और इसमें डालते हैं हम 1/4 cup पानी, और कॉर्नफ्लोर को पानी के साथ घोल लेते हैं जब तक कि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहे और ये अच्छे से घुल जाए। तो ये देखिए कॉर्नफ्लोर अच्छे से घुल गया है पानी के साथ, और अब हम मैंगो पुदीना के मिक्सचर को कुक करते हैं। तो अब इस मैंगो पुदीना के पेस्ट को हम डालते हैं पैन में। हमें इसे कुक करना है तो इस समय मैंने फ्लेम को ऑन नहीं किया है, पहले सभी इंग्रेडिएंट्स हम डाल देते हैं। और अब इसमें हम टेस्ट अकॉर्डिंग चीनी डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1/2 cup चीनी लिया है, 1 चम्मच काला नमक डाल देते हैं, 1 से 1.5 चम्मच सादा नमक भी डाल देंगे, और सभी को विस्क से मिक्स करते हुए हम कुक करेंगे। तो यहाँ पे इसे कंटिन्यूस चलाते हुए हमें कुक करना है। आप यहाँ पे जीरा पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, ये भी ठंडक देता है, और यहाँ पे जो पुदीना और आम का जो फ्लेवर है ना वो बहुत ही अच्छा आएगा, काफ़ी रिफ्रेशिंग लगेगा। और गर्मी है, गर्मी में जब आप ये जेली खाएंगे तो ये काफ़ी शरीर को ठंडा भी रखेगा। तो इसे अच्छे से मिक्स करना है, और चीनी की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना खट्टा या मीठा खाना पसंद करते हैं। और यहाँ पे जो जेली बनेगी वो थोड़ी सी खट्टी बनेगी, जिससे कि टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। तो हमें इसे एक बॉयल आने तक कुक करना है, बहुत ज्यादा भी कुक नहीं करना है, कंटिन्यूस चलाते रहना है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे चीनी पूरी तरीके से गल गई है, और चीनी के गलने से चीनी में मॉइस्चर होता है, थोड़ा सा ये आप देख रहे हैं मिक्सचर लिक्विड हो गया है, पहले काफी थिक था। तो ये देखिए मिक्सचर बिल्कुल अच्छे से बॉईल हो गया है। इसी समय हम डालते हैं कॉर्नफ्लोर। तो यहाँ पे फ्लेम को एक बार धीमा कर लेते हैं। जब भी आप कॉर्नफ्लोर डालें इसे हमेशा मिक्स करके ही डालें, क्योंकि कॉर्नफ्लोर नीचे बैठ जाता है। तो एक बार मैंने चम्मच से इसे मिक्स कर लिया है, और अब हम कॉर्नफ्लोर को डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे। कॉर्नफ्लोर डालने से बिल्कुल जेली जैसा टेक्सचर आता है। अगर आप कॉर्नफ्लोर नहीं डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अगर पाउडर या वेज जेलेटिन का भी यूज कर सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छी जेली फॉर्म होती है। तो इस समय हमें कंटिन्यूस चलाना है, जैसे जैसे आप चलाते जाएंगे वैसे वैसे ये थिक होता जाएगा। तो यहाँ पे भी इसे हमें बहुत ज्यादा कुक नहीं करना है, सिर्फ एक बॉयल आने तक ही कुक करेंगे। ये देखिए बॉयल आ गया है और जो मिक्सचर है काफी थिक भी हो गया है। तो इसी समय हम फ्लेम को बंद करते हैं, इसे हमें और कुक नहीं करना है। और फ्लेम को बंद करने के बाद इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर 2-3 drops, जिससे कि देखने में भी काफी अच्छा लगेगा। और कलर डालकर एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास कलर नहीं है, आप कलर अवॉइड करना चाहते हैं तो अवॉइड कर सकते हैं, सिर्फ ये देखने में अच्छा लगे, प्रेजेंटेबल लगे, इसलिए मैंने यहाँ पे ग्रीन फूड कलर का यूज किया है। तो यहाँ पे पोर करने के लिए मैंने शॉर्ट प्लास्टिक के ग्लासेस लिए हैं और सभी जेली को इसमें पोर कर देते हैं। पोर करने के बाद इसे एक बार टैप कर लेते हैं, जिससे इसमें जो भी एयर बबल्स हैं वो निकल जाएंगे और ये जो जेली है बिल्कुल इवनली स्प्रेड हो जाएगी। और अब हम दूसरे ग्लास में भी डालते हैं जेली। तो सभी छोटे ग्लासेस में मैंने जेली डाल दिया है, और इसे अब हम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं, जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो 2 से 3 घंटा हो गया है और सभी जेली बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई है, और ये देखिए बिल्कुल फर्म हो गई है, उल्टा करने से निकल नहीं रही है। और अब हम बिल्कुल जेंटली इसे मोल्ड से बाहर निकालते हैं। सबसे पहले साइड को लूज करेंगे, तो इससे निकालना आसान हो जाएगा। तो सभी साइड्स को हम लूज कर लेते हैं, हल्का सा शेक करते हुए हम इसे बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली जेली बन के रेडी हो गई है। और अब इसे हम सूखे नारियल के बुरादे के साथ कोट कर लेते हैं। आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन नारियल के बुरादे के साथ कोट करने से ये देखने में तो अच्छी लगती है, खाने में और भी टेस्टी लगेगी। तो बन गई है ना बहुत ही टेस्टी मैंगो मिंट जेली, जिसे आप इस गर्मी में जरूर ट्राई कीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरे मिंट रेसिपीज पेज को जरूर फॉलो कीजिए।